के प्रयास के आरोप में वांछित अभियुक्त अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार। गोला के निकट पर्वेक्षण में थाना प्रभारी गोला के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक शैलेश सिंह यादव में हमराही कर्मचारी गण की मदद से गोला गोरखपुर में वांछित चल रहे अभियुक्त अंगद मौर्य पुत्र स्वर्गीय लालजी मौर्य निवासी बरस थाना गोला जनपद गोरखपुर को मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ी पुल थाना क्षेत्र गोला के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर मैं 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। चोरी की मोटरसाइकिल व मोबाइल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण व पुलिस उपाध्यक्ष थाना प्रभारी के नेतृत्व में दीपक कुमार गुप्ता में हमराही के चेकिंग संदिग्ध वाहन व्यक्ति के क्रम एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम राहुल उर्फ नाऊ पुत्र स्वर्गीय महेश निवासी ग्राम कशिहार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर बताया है। एनएचएआई की चेयरपर्सन ने मुख्यमंत्री से मिलकर प्रस्तावित परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया। जल्द जंगल कौड़िया जगदीशपुर 4 लेन व कालेश्वर जगदीशपुर 6 लेन का काम शुरू होगा। सिद्धार्थ नगर में लूट का केस दर्ज करने में लापरवाही थानाध्यक्ष निलंबित। आजमगढ़ के एसपी ऑफिस में तैनात सिपाही दिलीप कुमार ने रेप पीड़िता के परिवार को सरकारी मदद दिए जाने की फाइल आगे बढ़ाने के लिए 20,000 रुपए की मांग की थी। शुक्रवार को उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। से हुई लड़ाई तो पत्नी ने घर में करवा दी 25 लाख की चोरी, मायके से बुलाए चोर। दौसा से चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर महिला ने अपने ही घर में चोरी करवा दी। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो सब हैरान रह गए। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को यशवंत सिन्हा के समर्थन का ऐलान किया। एशिया कप इस साल अगस्त में श्रीलंका की मेजबानी में ही होना है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे इस देश में पेट्रोल डीजल की कमी और हिंसा का असर टूर्नामेंट पर पड़ सकता है। 28 जून को बांसगांव थाना क्षेत्र में हुई 8,000 लूट, पुलिस ने किया पर्दाफाश। बांसगांव थाना क्षेत्र हरनही चौकी क्षेत्र में लूट की घटना का पर्दाफाश किया। आरोपी की पहचान अवधेश निषाद ग्राम बल्लोचक थाना बांसगांव के रूप में हुई। उसका दूसरा साथी भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश के पास लूट में प्रयुक्त अपाची गाड़ी UP53 DV2893 व 2,000 लूट की रकम बरामद हुई है। पूछताछ में बदमाशों ने बताया 28 जून को पाना पार्क के पास 8,000 रुपए की लूट शराब व्यापारी के मुनीब से मैंने की थी। मुनीब को बुलाकर लुटेरे को आमना सामना कराया गया तो मुनीब द्वारा बताया गया यही व्यक्ति मेरे साथ लूट किया था। पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर कृषि गोष्ठी का आयोजन आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर द्वारा आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कृषि गोष्ठी के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य मनोज शुक्ला ने जनपद के 224 प्रगतिशील कृषकों को जिनका केंद्र के प्रयास एवं तकनीकियों के प्रसार से विगत 5 वर्षों की तुलना में आय में बढ़ोतरी हुई है। इस कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर तनचंद आदि लोग मौजूद रहे। किसानों का जो वार्तालाप हो रहा था, बहुत से किसान ऐसे थे जिन्होंने कुछ नया किया था, तो आप सबसे भी यही अनुरोध है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं यहाँ पर 7 फाइनलिस्ट हैं, 7 वैज्ञानिक हैं, अलग अलग विषय के हैं, तो आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आपने भी अनुरोध किया है कि आप यहाँ से जुड़ करके अपनी समस्या का पैमाइश कराने की किया गया मान। सठरौआ निवासी ने बताया कि पैमाइश कराने की कई बार मांग किया गया, जिसके बाद लेखपाल तांडो मौके पर पहुंचे, परंतु गांव के हमारे दीपचंद ने पैमाइश कराने से रोक दिया, जिससे वो काफी परेशान है। उन्होंने बताया कि उनकी अवस्था काफी वृद्ध हो गई है, उनको आने जाने में भी दिक्कत होती है, बार बार तहसील प्रशासन के कार्रवाई करने की मांग किया जा रहा है, परंतु अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होने से वो काफी परेशान
दिख रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राजेश। कौन सा गाँव? सफरगा। क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या ही मैं नापे कोई लाना पान वो साहेब। हाँ, ना कहीं ना देता ना सर। कौन है आपने दे रहा है? दिखाई दिखाई। अच्छा, एप्लीकेशन देने आता सी दिवस में? हाँ, एप्लीकेशन देने आता सी दिवस में। हाँ, पैमाइश कराने की किया एजे और सीजे गोरखपुरा है, परंतु बांस गाँव का प्रथम उनके नॉलेज में जिला जज ने नहीं डाला। बांस गाँव के अधिवक्ता ने बताया कि एजे और सीजे महोदय इलाहाबाद से आए, गोरखपुर में उनका स्वागत हुआ, पर बांस गाँव में चल रहे आंदोलन के बारे में जिला जज ने उनको बताना मुनासिब नहीं समझा। और हालात यह है कि गोरखपुर एजे महोदय और सीजे महोदय आए और उसका वहाँ के बाहर के अधिवक्ताओं द्वारा सम्मान किया गया, विशेष रूप से सम्मानित किए गए, जो होना भी चाहिए था वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें बांस गांव के प्रकरण पर कोई जो वहाँ धरना चल रहा है उस प्रकरण पर किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं हुआ और न जनपद न्यायाधीश द्वारा हमारे बाहर की बांस गांव के बाहर के लोगों का अधिवक्ताओं को कभी सूचित किया भी गया और उनको बताया गया कि आप एक बार आकर के इनसे मिल लें और अग्रिम एजे और सीजे गोरखपुरा गोला समाधान दिवस में 118 मामले आए, एक भी मामले का निस्तारण नहीं किया गया। बताते चले कि गोला तहसील भवन में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपजिलाधिकारी रोहित कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर सीओ जदत राम कन्नौजिया सहित सारे अधिकारी मौजूद रहे। एक एक करके 118 मामले मौजूद आए, परंतु एक भी मामलों का निस्तारण न होना चौंकाने वाला है। इस संबंध में पीड़ितों ने अपनी समस्याओं को अवगत कराया और निस्तारण की मांग किया। ऐसे में पीड़ितों के मामलों को निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया। बताते चले कि ज्यादातर मामला जमीन से संबंधित था, ऐसे में राजस्व टीम को निस्तारण के लिए लगाया गया है। चटमार पर अवैध कब्जा का लगा आरोप, सहुआ टोल निवासी ने तहसील दिवस में शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि चटमार्ग पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने बताया कि कागज में भी चटमार्ग है, परंतु मौके पर लोगों द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया, जोत लिया गया है और अपने खेत में मिला लिया गया है। ऐसे में आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, एक खेत से दूसरे खेत के जाने में भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने तहसील दिवस पर शिकायत पत्र देकर निस्तारण किया। क्या नाम है, क्या समस्या क्या आपकी? चकमार्ग है, सरकारी कागज में है, लेकिन लोग कब्जा किए हुए हैं, रास्ता बनने ही नहीं दे रहे हैं। कौन कौन कौन? देव प्रताप पांडे। कौन सा गांव का मैटर है? सौलापुर। अच्छा, चकमार लेखपाल द्वारा 4-5 लोगों के साथ मिलकर पीड़ित की गई पिटाई। मामला नारायणपुर गांव का है। नारायणपुर गांव के निवासी मनीष गुप्ता ने तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि लेखपाल रामजी यादव 4-5 लोगों के साथ मिलकर तहसील गेट पे उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी है, जिससे वो परेशान होकर तहसील दिवस में पहुंचा और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। बताते चले कि पिटाई की घटना तहसील के सामने की गई है, जिसको लेकर प्रार्थी में काफी असंतोष व्याप्त है। लेखपाल राम जी यादव ने मुझे मारा है। क्या नाम है तुम्हारा? 4-5 लोगों के साथ में, मनीष कुमार मेरा नाम है। हाँ, कौन सा नाम? मैं ग्राम नारायणपुर का हूँ। क्या हुआ है? और दारू पी के 4-5 लोगों को लेकर कचहरी गेट के सामने मुझे मारे हैं। कौन कौन था? उनके 4 साथी थे और लेखपाल राम जी यादव थे। साथी कौन कौन था? नाम नहीं पता मुझे। लेखपाल अपने ही जमीन पर अपना निर्माण न करा पाने से पीड़ित परेशान। बेलदार निवासी ने तहसील दिवस में शिकायत पत्र देते आरोप लगाया कि वो अपने ही जमीन में अपना निर्माण नहीं करा पा रहा। वो तहसील दिवस के लिए मुख्यमंत्री तक बार बार शिकायत करने के बाद भी उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। का? मेरा नाम सर अजय जायसवाल है, निवासी पोती बाजार। क्या समस्या क्या आपकी? समस्या सर ये, हमारी 32 वर्ष पुरानी जमीन है और उस पर सर हम बनवा नहीं पा रहे हैं। हाँ, चिट्ठी में हावी है, प्रेजेंट टाइम में ग्राम प्रधान भी है। हाँ,
प्रधान का क्या नाम है? ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान है मलखा बिलदार। अच्छा जी। फिर आपने किसी दिया था एप्लीकेशन? मैं सर दिया, मैं एसडीएम आईजी डीआईजी सभी को दिया हूँ। हाँ, यहाँ तक कि मंदिर पे भी दो तीन बार दे चुका हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं अभी तक। हाँ, लेखपाल कानून क्या बोल रहे हैं? लेखपाल सर डेट एक मिला भी था हमको, सर पीएससी मंदिर पे भी दिए हैं। हाँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है किसी का। अपने ही जमीन पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पोखरी को खनवाया नहीं जा सका। बांसवा विकास खंड के ग्राम भैरवपुर में पोखरी पर अवैध अतिक्रमण को लेकर पीड़ित ने शिकायत किया था, जिसके बाद प्रशासन ने उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। परंतु मुकदमा दर्ज करने के एक महीने बीत जाने के बाद भी अब तक पोखरी को खनवाया नहीं जा सका, जिसको लेकर पीड़ितों में काफी असंतोष है। उन्होंने बताया, क्या नाम है आपका? पोखरी का क्या मामला चल रहा था, क्या कार्रवाई हुई उसमें? FIR हुआ लोगों के ऊपर जी। क्या मामला था, विस्तार से बताइए। वो हाईकोर्ट का आदेश द्वारा पोखरी खनाया गया था, फिर लोग पाट लिया है जी। खनाई गई थी अभी तक नहीं? पोखरी खनाया गया था, उसको पाटने अभी खनाना गया है पोखरी। तो क्या मांग है, क्या मांग है? मांग पर पानी हमारे खेत में गिर रहा है, पोखरी खना दिया जाए। मुकदमा बांसगांव तहसील दिवस में 62 मामले आए और 2 का निस्तारण हुआ। बांसगांव तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस में 62 मामले आए, जिसमें 2 मामलों का निस्तारण किया गया। इस मौके पर तहसील दिवस की अध्यक्षता CRO दीपक कुमार गौर ने किया। उन्होंने एक ही प्रार्थना पत्रों को बारीकी से अध्ययन किया और संबंधित विभाग को निस्तारण हेतु भेज दिया। बताया जा रहा है कि मौके पर मात्र 2 ही प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा सका। ऐसे में भूमि विवाद संबंधित मामले ज्यादा दिखे, जहां पे अवैध कब्जा पैमाइश कराने के लिए लोगों ने अपना आवेदन दिया। इस मौके पर तहसील के कर्मचारी अधिकारी सभी लोग उपस्थित रहे। बांसगांव बारिश न होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। बांसगांव तहसील मुख्यालय का दृश्य है, जहां पे बरसात न होने से धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। सावन का महीना चल रहा है, परंतु बारिश न होने से फसलों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोड बोरिंग से पानी चला रहा है, परंतु पूरे दिन चलने के बाद भी पूरा खेती डूब नहीं पा रही है, जिससे धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। बीत गया, पूरा सावन चल रहा है, लेकिन हल्का फुल्का बारिश हुआ है। किसान अपने करेजे पर तावा रख कर खेती कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी से झेल रहे हैं। आगे क्या होगा अब भगवान जाने, अब तो हम लोग भगवान के ऊपर। देखिए, किसान इस समय बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी बारिश नदारत है, ना के बराबर। एक आध बार बारिश हुआ, ना के बराबर बारिश है। बारिश